स्क्रीन पे देखो ये गेम को, इस गेम को मैं डिफीट कर गया। बाकी मैं बताता हूं इसका रीजन क्या था, तो सारे चीज बताता हूं। देखो रीजन एक ही है, वो है कम्युनिकेशन। कोई बंदा बात ही नहीं करता है गेम में भाई, कोई बंदा एक छोटा से छोटा क्या बड़ा से सभी कोई मतलब बात नहीं करता, कम्युनिकेशन नहीं है भाई। इन गेम चैट का, वॉइस मैसेज का भी नहीं है, कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाता है, कोई स्ट्रेटजी बना ही नहीं पाता है। हम लोग किसको बोले भाई, कहां बंदा है, कोई बोलता ही नहीं है। इसीलिए बोलता ना भाई, आप लोग कम्युनिकेशन करो। ये गेम जिसे मैंने हारा, आप भी हारते होगे रैंडम में, इसलिए मैं बोलता हूं गाइस रैंडम में भी बात करके खेलोगे तो आप लोग कम्युनिकेशन गैप जो है ना गाइस वो फिल अप होगा, एंड आप लोग बेझिझक आराम से बुया कर सकते हो रैंडम में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 19। देखो ट्रिक नंबर 19 क्या है, अगर आपको गेम में रैंडम में ज्यादा से ज्यादा खेलना है, जीतना है, तो आपको स्टिक टुगेदर होकर खेलना है। आपको गेम में सभी प्लेयर एक साथ रहकर खेलना है। अगर जब भी आप लोग देखोगे दो प्लेयर एक साथ है, तो आप लोग एक काम करो, आप जो तीसरा प्लेयर हो आप आराम से उनके साथ चले जाओ, ठीक है। तो आप तीन बंदे हो जाओगे एक साथ, अगर आपको तीन बंदा एक साथ रहेगा तो चौथा बंदा भी आपको पीछे पीछे आ जाएगा। तो इसलिए बोलता हूं स्टिक टुगेदर रहोगे ना तो गेम में आपका जीतने के चांसेस हाई रहता है, इसलिए ज्यादा ज्यादा स्टिक टुगेदर करके रहना। नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 18। देखो ट्रिक नंबर 18 है आपको अपनी लोड आउट का। देखो गेम में बहुत सारे लोड आउट आपको गेम स्क्रीन पे दिख सकता है, लेकिन ये जो गेम स्क्रीन पे आप लोग लोड आउट देख रहे हो, इनमें से कुछ कुछ ऐसे लोड आउट है जो कुछ काम का नहीं है, इसलिए आपको बोलता हूं गाइस वैसा ही लोड आउट आप लोग यूज करो अपनी कैरेक्टर का स्किल के हिसाब से। लाइक अगर मैं ओरियन लेके खेलूंगा तो मैं बॉनफायर यूज करूंगा, ओके, ओरियन के साथ बॉनफायर बहुत मिलता है इसीलिए। तो इस तरह से आपको सोचे खेलना है, मैं जो कैरेक्टर यूज कर रहा हूं मैं उसी टाइप का लोड आउट भी यूज करूंगा, तो ओके, तो इस टाइप का सभी प्लेयर आपको सोच के खेलना है। ट्रिक नंबर 17। ट्रिक नंबर 17 है आपका कवर। आप लोग कभी भी कवर से हटना मत, जब भी फायर करोगे कवर में रहकर फायर करना, बंदा आपको छू नहीं पाएगा क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा कवर लेके खेल रहा है इसीलिए, एंड वो बंदा सब बिना कवर का खेल रहा होगा। तो इसलिए सोचो गाइस अगर मैं कवर में लेके खेलूंगा कोई बंदा मुझे मार पाएगा, नहीं मार पाएगा जब तक वो नेड नहीं करेगा तब तक, इसलिए अच्छी तरह से कवर में रहकर ही फायर करना। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिक नंबर 16। ओके ट्रिक नंबर 16 में आप लोग को रैंडम खेलते वक्त एक चीज बोलना चाहूंगा, जब भी आप लोग कोई रैंडम बंदे को अगर नॉक होते देखोगे ना, उसको पहले रिवाइव कर दो, अगर हो सके तो, अगर चांस मिल रहा है रिवाइव करने का तो बेझिझक सबसे पहले उसको रिवाइव कर दो। और जो भी रैंडम प्लेयर नॉक होते हो एक बार प्लीज अपनी हेल्प बोल के एक बार दे दो, किसी का बंदे को पता भी नहीं चलता होगा, इसलिए मैं बोलता हूं हेल्प हेल्प बोल के एक बार कर दो, ओके। एंड जो बंदा नॉक होते तो भाई उसको प्लीज रिवाइव करो, सभी प्लेयर को बोल रहा हूं जो भी रैंडम खेलता है। बात करते हैं ट्रिक नंबर 15। फ्री फायर में अभी फिलहाल ऐसे ऐसे कैरेक्टर है जो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज पहुंचा सकती है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग रैंडम में वही कैरेक्टर यूज करना जो सीएस रैंडम के लिए फायदेमंद है, ओके, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है स्किल है वो एक टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी पहुंचा सकता है, इसलिए आप लोग गौर करो। जैसे मैं अगर A124 यूज करूंगा अभी के टाइम पे तो मैं दिमित्री का स्किल ब्लॉक कर सकता हूं, इसी टाइप का आपको सोच के खेलना है, ओके। तो रैंडम में ये सारे स्किल बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि सारे प्लेयर A124 यूज नहीं करते, तो अगर आप खुद से दिमाग लगा के सोचो कितना ज्यादा फायदा है कि नहीं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 14 पे। तो सीएस रिंग में आपको हमेशा अपनी एक जो मैप मिलता है अपना मिनी मैप, इस मैप को आपको ध्यान से रखना है। आपको मैप ओपन करने की जरूरत नहीं, आपको बस मिनी मैप में ये चीज देखना है बंदे का लोकेशन, एनिमी जब फायर करेगा उसी टाइम में आपको लोकेशन देखना है एनिमी किस तरह से फायर हुआ है, ओके। आपको एक टाइम में पलक झपकते आपको देखना है एनिमी का लोकेशन किस एंगल से आ रहा है, साउथ वेस्ट से आ रहा है या नॉर्थ से आ रहा है, पूरा सही से क्लियर एग्जाम्पल से आपको समझना है, ओके। तो इसीलिए नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 13। देखो ट्रिक नंबर 13, देखो आपको कभी भी ब्लाइंड रस नहीं करना, ये एक मेरी तरफ से आपके लिए एक टिप है। आप लोग बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जो ब्लाइंड रस करते हो बिना देखे एनिमी को, जैसे मान के चलो आप लोग रश टाउन ही आया एंड रश टाउन में आप लोग डायरेक्ट रस कर देते हो, तो आपको क्या मिलता है, आपको डैमेज मिलता है, तो आपको डायरेक्ट रस नहीं करना, आप लोग को एनिमी देख लेना उसके बाद ही रस करना, ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 12। तो ट्रिक नंबर 12 है आपको जब भी नेड वगैरह मिलता है, लाइक नेड हो गया आपका, जो भी थ्रोएबल आइटम्स हो गया लाइक ग्लू मेल्टर ही हो गया, ये सारे जो फ्लैश फ्रिज है, ये सारी चीजों को आपको सही से यूज करना आना चाहिए। आप लोग इसको वेस्ट नहीं कर सकते हो, अगर एक भी सामान वेस्ट होगा, क्योंकि एक ही चीज मिलता है आपको, नेड एक ही मिलेगा आपको, ग्लू मेल्टर एक या दो ही मिलेगा, है कि नहीं, तो फ्लैश फ्रिज में एक ही मिलता है, तो इसीलिए आपको सही जगह पे सही टाइम पे यूज करना है। जैसे अगर नेड मारना होगा तो एनिमी पे मैं नेड उसी टाइम में मारूंगा जहां झुंड होगा एनिमी का, नहीं तो मैं एक बंदे पे भी नेड मारूंगा ना उस बंदे को डैमेज पड़ना चाहिए, तो इसी सोच से आपको खेलना है, आपको वेस्ट नहीं करना अपना थ्रोएबल आइटम। बाकी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 11 पे। तो
ट्रिक नंबर 11 ये कि आपका एम अच्छा है क्या। फ्री फायर में आपने कभी देखा है आपका एक्यूरेसी कैसा है, आप कितना रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो बिना स्किन का, तो वही सब आप लोग देखो, आप लोग टेस्ट करो, आप लोग अपनी एम को प्रैक्टिस करो ट्रेनिंग ग्राउंड में। आजकल बहुत ऐसे प्लेयर है जो ट्रेनिंग ग्राउंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको फायदा ही पहुंच रहा है क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड अपडेट हुआ है फ्री फायर में। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग अपनी एम को प्रैक्टिस करो विदाउट स्किन, या फिर स्किन भी लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करो ट्रेनिंग ग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा। जिसका गुड एम होगा तो उसका एक्यूरेसी बिना कैरेक्टर का भी काम कर जाएगा, तो सोचो कि इसका कितना फायदा पहुंचता है कि नहीं फ्रेंड। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रिक नंबर 10 आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूं आप लोग कभी भी नाइट गेम प्ले मत करना, रात को कभी गेम प्ले मत करना, क्योंकि रात में क्या होता है आप लोग का कम्युनिकेशन गैप होता है उसमें गाइस। रात में कोई बंदे बात नहीं करता है, कोई बंदा AFK चला जाता है, मेनली यही होता है बंदे AFK चले जाते हैं क्योंकि रात में उनको डांट पड़ती है मम्मी पापा से, इसीलिए वो लोग AFK चला जाते हैं। कुछ कुछ बंदे का होता है फ्रेंड, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं आप लोग रात में कोई बंदे बात भी नहीं करते। अगर आप भी खुद से सोचो तो आप क्या बात करते हो रात को, नहीं करते ना, तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं रात को ज्यादा से ज्यादा कम ही गेम प्ले करो, ठीक है। रात के टाइम में जो सोने के बाद लाइक आप लोग 12 बजने के बाद का गेम प्ले बोल रहा हूं, 12 बजने के बाद का, उससे पहले आप लोग गेम प्ले करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन उसके बाद मैं बोलूंगा मत ही करना उतना फायदा है आपके लिए। ट्रिक नंबर 9 की तो मैं बोलना चाहता हूं आप लोग तीवा कैरेक्टर भी यूज करना छोड़ ही दो, तीवा कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आजकल बंदे क्या कर रहे हैं खुद से सोनिया ला रहे हैं एंड तीवा उसमें नहीं ला रहे। तीवा का मैं बोलना चाहता हूं मैक्सिमम प्लेयर यूज नहीं कर रहे हैं। सोचो गाइस वो बंदे क्या कर रहे हैं, वो लोग दिमित्री ला रहे हैं, वो लोग सोनिया ला रहे हैं एंड उसमें कोई बंदा तीवा यूज नहीं कर रहा है, खुद से रिवाइव कर रहे हैं, जो कि मैं बोल सकता हूं सेल्फ रिवाइव रैंडम में बहुत हो रहा है, जो कि अच्छी बात है नॉर्मली। लेकिन आप लोग खुद देखो क्या आप लोग तीवा पहुंचा रहे हैं, आप लोग तीवा से किसी बंदे को हेल्प कर रहे हो, बहुत कम ही, मैक्सिमम प्लेयर नहीं कर रहे तीवा से हेल्प। तो एक काम करो उसी जगह में आप लोग नायरी कैरेक्टर ले लो या फिर एंटोनियो ले लो, इससे आपको हेल्प पहुंचेगा, है कि नहीं। तो मैं बोलना चाहता हूं रैंडम में अगर आपको लगता है तीवा यूज हो रहा है आप में तो आप लोग यूज करो, टेंशन मत लो, लेकिन मैं बोलूंगा अगर नहीं यूज करेगा तो और भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 8। तो CS रैंडम में बहुत ऐसे प्लेयर है जो सोचते हैं रैंडम में भाई ये क्या दे दे स्मोक ग्रेनेड, भाई ये लोड आउट में क्या स्मोक ग्रेनेड है, स्मोक ग्रेनेड कौन यूज करता है। तो मेरे भाई स्मोक ग्रेनेड बहुत अच्छा है, इसको यूज करो, जब भी आपका टीममेट नॉक होगा उसी जगह पे आपको स्मोक कर देना है, जब भी आप लोग का साइबर एड्रॉप आता है उस जगह पे स्मोक कर दो, आप लोग आराम से लूट कर लो स्मोक बॉम्ब से, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोलता हूं स्मोक सही जगह पे यूज करो ना, सही जगह पे यूज करोगे तो सही फायदा फल भी मिलेगा आपको। तो यार यही बात है स्ट्रेटजी से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 7। तो फ्रेंड्स ट्रिक नंबर 7 आपका सेटिंग है, तो सेटिंग में जाना आप लोग एंड जाना वाइब्रेशन में, एंड बहुत सारे यहां पे देखो वाइब्रेशन का मोड्स वगैरह है, इसमें आप लोग देखो गाइस कोई बंदे अगर वॉक करके आपके सामने आ रहा है तो उसमें आपको वाइब्रेशन बजेगा इस टाइप का, सोचो गाइस कितना अच्छा है। कोई सामने एनिमी होगा तो आपको वाइब्रेशन होता है, कोई बंदा गाड़ी लेके जाएगा इस टाइप का भी वाइब्रेशन होता है। तो यार अगर आपको लगता है कि आपका फोन में वाइब्रेशन अच्छा टाइप का गेम प्ले करवा सकता है तो आप लोग यूज करो, लेकिन मैं तो बोलूंगा भाई यूज मत ही करो क्योंकि इससे आपका गेम प्ले लैग होता है, क्योंकि मैंने बहुत से प्लेयर को देखा है जो वाइब्रेशन यूज कर रहा है एंड उसका फोन बहुत ज्यादा लैग होते रहता है। तो मैं बोलूंगा वाइब्रेशन को ऑफ ही कर दो, एडवांस सेटिंग मत ही ऑन करो इसको, ठीक है, वाइब्रेशन वगैरह ये सब ऑन मत करो यार, नॉर्मली गेम प्ले करो, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। ट्रिक नंबर 6 को, तो ट्रिक नंबर 6 देखो, अगर आपको अच्छी टीममेट चाहिए अपने रैंडम में, देखो रैंडम में मैं ये बोल लूंगा आप लोग पहले एक दो गेम रैंडम खेलो एंड उसमें देखो कौन बंदा MVP ले रहा है, उस MVP वाले प्लेयर को आपको इनवाइट करने अपनी रिसेंट गेम में, ओके, जो भी आपका प्रेजेंट गेम होगा उसमें आपको लॉबी पे जब भी आओगे ना, लॉबी पे आने के बाद डायरेक्ट उनको इनवाइट कर दो कि भाई आप MVP प्लेयर हो आप आ जाओ, ठीक है, डायरेक्ट इनवाइट कर दो। वो अगर आ जाता है तो आप सोचो गाइस कितना फायदा पहुंचने वाला है कि वो बंदा ने 6-7 किल किया, 8 भी किल किया होगा, लेकिन आप सोचो गाइस आपको हेल्प पहुंचने वाला, क्योंकि नेक्स्ट मैच में भी वो बंदा अच्छा खेलेगा, क्योंकि आपको पता चल गया ये बंदा MVP लिया लास्ट मैच में, तो ये मैच भी वो 90% अच्छा ही खेलेगा। तो यार इसलिए बोलता हूं आप लोग अपनी रिसेंट टीम में जाना एंड आपको उनको इनवाइट कर देना MVP वाले वाले प्लेयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 5। ओके, तो फ्रेंड्स ट्रिक नंबर 5 देखो, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा फाइट लेना है गेम पे एंड एडवांटेज से आपको कोई बंदा देख भी नहीं पाएगा कहां से बंदा मार रहा है, तो मैं बोलूंगा आप लोग अपना हाई ग्राउंड का एडवांटेज लो। हाई ग्राउंड इन द सेंस देखो ऑब्जर्वेटरी में ही आ गया एंड हाई ग्राउंड का ऊपर चढ़ गया, यहां पे ग्लूअर लगा के थोड़ा दिमाग लगा के इसके ऊपर ही मैं चढ़ गया एंड बंदे को मार रहा ऊपर से नीचे, उनको सीधा हेड लगेगा एंड बंदा लोग डायरेक्ट खत्म होते जाएगा, आपको पूरा पोजिशन मिलेगा एनिमी का
होगा, कहां कहां पे हो, ओके आप लोग सुरक्षित भी रहोगे, बस आपको दिमित्री लेके खेलना है। जब भी नॉक हो गए आप लोग को दिमित्री ऑन हो जाएगा, ओके उसी टाइम में सोनिया दिमित्री सब ऑन कर देना, आप लोग का वेज है, आप लोग यूज करो ये हाई ग्राउंड का एडवांटेज लेके, ठीक है। जहां भी हाई ग्राउंड मिलता है उसी जगह पे आप लोग ये ट्रिक को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4 पे, और देखो ट्रिक नंबर 4 देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बेस्ट भी आप सभी के लिए। आपने क्राफ्टलैंड खेला है, क्राफ्टलैंड में जाना एक बार और देखना यहां पे एक ट्रेनिंग ग्राउंड करके होगा, ट्रेनिंग ग्राउंड में क्लिक करो, इस टाइप से आपको ऑन कर देना, यहां पे स्टार्ट कर देना, मैच मेकिंग होगा यहां पे। उसके बाद आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आओगे ना, यहां पे देखो गाइस कितने सारे यहां पे आइटम्स है, यहां पे आप लोग अनलिमिटेड ग्लू वॉल ले, अनलिमिटेड नेड लो, अनलिमिटेड सामान वगैरह लो, ओके टेंशन मत लो, यहां पे ग्लू वॉल आपको अनलिमिटेड मिलेगा, क्योंकि यहां पे आप लोग जो नॉर्मल ट्रेनिंग ग्राउंड खेलते हो उसमें 3-4 दो ही ग्लू वॉल ले सकते हैं, नेड वगैरह 3-4 मिलेगा, यहां पे आप लोग आराम से नेड वगैरह कैरी करो, ग्लू वॉल वगैरह कैरी करो, ठीक है। यहां पे क्राफ्टलैंड का मैप है एंड इसमें एनिमीज वगैरह भी अच्छे खासे आते हैं, ठीक है, इससे आप लोग प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, यहां पे हैकर वगैरह नहीं मिलेगा, ओके। तो ये मुझे अच्छा लगा, क्राफ्टलैंड वगैरह बहुत अच्छा लगा क्राफ्टलैंड मैप, तो आप लोग यहां पे प्रैक्टिस करो सीएस के लिए। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट नंबर 3 पे, नेक्स्ट नंबर 3 जो ट्रिक है सीएस रैंडम के लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाले है। लाइक देखो आप लोग को गेम में जाना है एंड यहां पे कैरेक्टर्स पे जाओ, कैरेक्टर्स में जाओगे तो यहाँ पे आप लोग गौर करोगे, यहाँ पे 3 है, 2 है, गैस ये क्या है, गैस यही सो टैग है, ठीक है, कैरेक्टर का स्किल का टैग है, ये बंदा ये कैरेक्टर है हीलिंग, ठीक है, ये मेडिक कैरेक्टर है, ये हीलिंग कैरेक्टर है, ये आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एलिमिनेटर कैरेक्टर है, ये आप लोग को डैमेजिंग कैरेक्टर है, इस टाइप को आपको पूरा लिखा होगा, ठीक है। तो आपको अगर नहीं आता कि कैरेक्टर कौन सा अच्छा होना होगा मेरे लिए जो सूटेबल है, तो आप लोग इस टाइप से भी आप लोग चूज कर सकते हो कैरेक्टर वगैरह, ओके। तो आप लोग यहाँ पे कैरेक्टर का टैग वगैरह भी पढ़ के आप लोग अपनी कैरेक्टर चूज कर लो, ठीक है, जो भी आपको कैरेक्टर चाहिए। ये एक बहुत ही इजी एंड सिंपलेस्ट वे है जो आप लोग को अंडरस्टैंड होने के लिए। नेक्स्ट है नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 देखो गाइस, कैरेक्टर्स सीएस रैंक के लिए बहुत ऐसे कैरेक्टर है जो सीएस में फायदा पहुंचने वाला है, लेकिन आपको वैसा कैरेक्टर नहीं लेना जो फायदेमंद नहीं है। मैं आपको एक अच्छे अच्छे कैरेक्टर का नाम बोल रहा हूं जो आपको लेना चाहिए गेम में, ठीक है, वही कैरेक्टर सब आपको यूज करना है। लाइक देखो सबसे पहला दिमित्री है, नेक्स्ट ओरियन है, तत्सुया हो गया आपका, उकोंग है, A124 है, उकोंग A124, क्रोनो भी अगर यूज करना चाहते हो कर सकते हो आपकी मर्जी से, लेकिन मैंने जो आपको कैरेक्टर सब बोला है वही कैरेक्टर आपको यूज करना है गेम में, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा पहुंचने वाली है। जो भी कैरेक्टर का नाम लिया है वही सारे। बाकी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 1 पे, तो देखो आपको एक सीएस ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाना है जो आपको रैंडम में यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा वही आपको एक कंफर्टेबल ड्रेस बनाना है। लाइक देखो अगर आपने गौर किया है किसी यूट्यूबर को ही, मान के चलो आपने ये NXT अपना क्लासीफाई को देखा है, उनका ड्रेस कैसा है, उनको मैक्सिमम टाइम में आप लोग देखोगे तो यही ड्रेस पहन के खेलता है कि नहीं गाइस, इसी टाइप से गौर करके खेलो। मैंने भी एक परमानेंट ड्रेस बनाया खुद के लिए, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, तो आपको भी खुद के लिए ड्रेस चूज करो, आपका परमानेंट ड्रेस सीएस रैंडम सीएस नॉर्मल कुछ भी खेलोगे तो आप लोग परमानेंट ड्रेस बना के खेलना। बाकी कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ आपका फ्री फायर में इन गेम नेम क्या है, जल्दी कमेंट करके बताओ, मुझे आपका कमेंट का इंतजार।